तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और फटाफट से घर पहुंच गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम चेक इन करेंगे और हमारा लगेज हम आ गए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे। हमारे चेक इन एफ है और ये दिख रहा है सिंगापुर एयरलाइंस का फर्स्ट क्लास एफ। हाँ, ये रहा फर्स्ट क्लास का सिंगापुर का। चेक इन कर लेते हैं फटाफट। हेलो, इसकी कैप तो उतार दीजिए। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ से चेक इन। तो कुछ इस तरीके का है सिंगापुर एयरलाइंस का ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे काउंटर। तो यहाँ पे इमिग्रेशन होगा अभी। तो हम इमिग्रेशन के लिए आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में और अब उसके बाद हम जाएंगे लाउंजेस अगर ओपन होंगे तो। इंटरनेट पे दिखा रहा था 1:30 बजे बंद हो जाता है, पता चलेगा। तो ये है सिडनी की मैं तो देख रहा हूँ भाई, लॉन्च कहाँ है ये देख रहे हैं। तो आधी मार्केट बंद हो चुकी है सिडनी में। यहाँ पे यार 4:30-4:05 बजे ना सारी मार्केट स्टोर बंद है, ऑफ हो जाती है। ये देखो वो वाला बंद है। हाँ वही दिख, अच्छा दिखा नहीं होगा, सॉरी। बट यहाँ पे मार्केट भी है ये सारी, लेकिन टाइम से पहले ही बंद हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल तो देख रहे हैं लॉन्च ताकि हम वहाँ पे जाके बैठ सके। बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये लॉन्ज है बंद है, यही लॉन्च है जो बंद हो जाता है 1:30 बजे जहाँ हम आगे 6 बजे बट ये बंद है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की आप देख सकते हैं चॉकलेट्स मार्केट है, ये शूज है, यहाँ कॉस्मेटिक और बाकी सारे सामान हैं। और ये कैप्स है और मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है, तगड़ी तगड़ी लोकेशंस हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी फ्लाइट का बैठकर वेट कर सकते हैं कि जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आ रही तब तक आप आराम से बैठ सकते हैं। ओके, तो कुछ अच्छे है ना। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे वेटिंग रूम में और दर्श अभी पता करने गए हैं कि लॉन्च ओपन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 लॉन्च है तो एक तो बंद है और अभी दोनों का पता करने गए हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा, नहीं तो फिर हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा, है ना नेवी। यस, नेवी भी यस बोल रही है। ये बात है, नहीं तो फिर हम बैठेंगे यहाँ पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना नेवी। यही बात होती है और क्या बात होती है। निविशा को भी भूख लगी है तो निविशा क्या खा। तो अभी हम लोग सिडनी के लॉन्च में बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लॉन्च है, एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट लॉन्च पे बैठे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये
तो अभी बज चुके हैं 5:30 और 6 बजे की फ्लाइट है, तो अभी हमने खा पी लिया है, मौज मस्ती हो गई है, तो थोड़ी देर में हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे। बस तब तक वेटिंग वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं। ये देखो निविशा ने यहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखो निविशा ने दोस्ती कर ली है फाइनली। टाइम हो चुका है, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, शायद फ्लाइट थोड़ी लेट है और हम लोग वेटिंग कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दक्ष अपना काम करना शुरू हो चुके हैं और सोचा कि थोड़ा काम कर ले, बस अभी हम लोग जाकर फ्लाइट में बैठेंगे। So we are going back to India, our nation. After having a good tour here in Sydney, we'll be coming back. वापस आएंगे भैया के पास जल्दी फैमिली से मिलने, और बहुत ही अच्छा शहर है मेलबर्न, अभी देखना बाकी है, तो मेलबर्न देखने की क्रेविंग है, जल्दी मेलबर्न भी देखेंगे। तो ये हमारा आ चुका है खाना, और ये दक्ष का खाना है, क्या है खाने में? नान। नान, do you like नान? Yeah. कोरमा, वेजिटेबल कोरमा, एशियन वेजिटेरियन मील, कोरमा हटा के उप्स, तो मैं इसको पकड़ सिंगापुर, हाँ सिंगापुर लैंड कर चुकी है और अभी हम प्रेम का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद में हम 2 घंटे की वेटिंग है, 2 घंटे की वेटिंग है, उसके बाद में हमारी फ्लाइट अब हम ले रहे हैं सिंगापुर की स्काई ट्रेन। तो हम स्काई ट्रेन से उतर आए हैं और ये देख सकते हैं आप सिंगापुर का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये है गुची, प्रादा, बड़े बड़े ब्रांड, ये है गुची, ये है प्रादा, सारे ब्रांड्स यहाँ पे है, बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ट्रेन छोड़ छोड़ कर आ रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, वाव बहुत ही सुंदर। ये है एलवी का एयरपोर्ट में शोरूम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसकी वॉल देखो यार कितनी खूबसूरत है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे लेकिन यहाँ पे ये बंद है। Yes, Singapore Airport. पूरी कॉस्मेटिक शॉप और उधर है लॉन्च, और हाँ उधर नहीं जा रही मैं। तो अब हमने ले लिया है सिंगापुर का लॉन्च, तो मैं और निविशा बैठ गए हैं अभी लॉन्च में और दक्ष कुछ खाने पीने को लेकर आ गए हैं। तो इस वक्त हम हैं लाउंज में और सिंगापुर के, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ फन कर सकते हैं, पी सकते हैं। आपने डाले मुझे याद नहीं आ रहा, हमने
इस वक्त हमें लाउंज में सिंगापुर में, और ये लाउंज बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। बाय बाय सिंगापुर। सिंगापुर को हमने बाय बाय कर दिया। नहीं भी हम यहाँ 1 घंटा रुके थे। हाँ बहुत तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और फटाफट से घर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग अपना लगेज ले रहे हैं, डच वेट कर रहे हैं। कुछ लगेज तो हमारा आ गया है, कुछ रह गया है, तो बस डच वही ले रहे हैं। और मैं निविशा के साथ में खड़ी हुई हूँ यहाँ पे आके। गर्मी शुरू हो गई है और फाइनली ठंड ख़त्म हो गई है। अभी पापा और भैया हमें लेने के लिए आएंगे, तो हम अभी बाहर जाएंगे और शायद वो टाइम पर पापा और वो लेने आएंगे, तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। हमारा सारा लगेज आ चुका है और अभी पापा से बात हुई है, तो 15-20 मिनट लगेंगी और उसके बाद में हम लोग घर जाएंगे। क्या हुआ? चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक होगी। दैट्स इट। अंदर चलना तो यहाँ पूजा भी खाना। मैदा फिर से तो रिपीट नहीं करना। डोसा नहीं, मैदा नहीं खाना। डोसा खाना नहीं, डोसा भी नहीं खाना। सुबह सुबह का टाइम है, फ्लाइट में खाना मिला था लेकिन हम लोगों को नींद आ रही थी तो मैंने तो अवॉइड कर दिया। पर अभी भूख है तो सोचा थोड़ा, क्योंकि घर जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, तो सोचा अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। तो देखते हैं क्या खाते हैं अभी। ये क्या कर रहे हो? अभी हम लॉन्च में बैठेंगे थोड़ी देर और पापा का वहाँ पे बैठकर वेट करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, है ना निधि? स्माइल कीजिए यार, देखो जो ज़्यादा दीजिए स्माइल। देखिए हम एयरपोर्ट से निकल कर आ गए हैं और पापा और भैया अभी 5 मिनट में आने ही वाले होंगे। तो अभी हम उनका बाहर वेट कर रहे हैं, को बता रहे हैं। और फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, वो देखो हैं। अभी हम लोग डालते हैं अपना सामान फटाफट से गाड़ी में। बाय बाय।